वीर सिंह, आज तुम्हारी 21वीं सालगिरह और इस खुशी के मौके पर हम इस कुल रक्षक नागमणि की हिफाजत का बोझ तुम्हारे कंधों पर रखना चाहते हैं। महाराज की आज्ञा का पालन करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। ये नागमणि पाताल के नागराज नाग नंदा ने हमें भेजी थी, इसी की बदौलत आज हम चक्रवर्ती महाराज कहलाते हैं। वीर सिंह, इसकी रक्षा अपने प्राणों से बढ़कर करना बेटा। आप विश्वास कीजिए पिताजी, इस नागमणि की रक्षा मैं अपने कुल की रक्षा समझ कर करूंगा। शाबाश, तो आज हम अपने सीने का बोझ तुम्हारे सीने पर रख के देते हैं। खुश रहो। मुझे आशीर्वाद दीजिए माताजी। जी 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 मेरे लाल। सौतेले बेटे के माथे पर तिलक और जुग जुग जियो की आशीर्वाद। लेकिन लेकिन दीदी, खबरदार मदन सिंह, जो फिर कभी वीर सिंह को सौतेला कहा, उसने हमेशा मुझे सगी माँ और मैंने उसे सगा बेटा समझा। नहीं नहीं दीदी नहीं, सौतेले कभी सगे नहीं बनते। और फिर तुमने सबसे बड़ी भूल तो ये की है कि मेरे जिंदा होते हुए आज नागमणि की चाबी वीर सिंह को दिलवा दी। यार तुम कैसी बातें कर रहे हो मदन। आज महाराज ने नागमणि की रक्षा वीर सिंह को सौंप कर मेरी वीरता के मुंह पर तमाचा मारा है, मुझसे अन्याय किया है। महाराज को अन्याय ना कहो मदन, वो हमेशा तुम्हें अपनी औलाद की तरह प्यार करते। उन्होंने वीर सिंह को बहादुर और मुझे बुजदिल समझा है। दीदी तुम चाहो तो ये बाजी अब भी पलट सकती हो। तुम्हारे एक अदना से इशारे पर नागमणि तो क्या महाराज की गद्दी भी तो नहीं हो गए मदन सिंह। दीदी तुम भी कैसी दीदी हो, एक सौतेले बेटे। सौतेली माँ दुनिया में पहली बदनाम है, मैं इस नाम को और कलंकित नहीं करना चाहती। वीर सिंह के साथ कभी अन्याय नहीं होने दूंगी। अच्छी बात है, मगर ये सुन लो दीदी, मदन सिंह जो चाहता है वो करके रहता है, जो चीज उसे मांगे से नहीं मिलती वो छीन लिया करता है। मदन सिंह, मदन। चंदा, हमारे सामने से यह खुशी और संगीत के सब सामान हटा दो। तो क्या सरकार, रोने का सामान इकट्ठा करूं? कौन मर गया है? मदन। आज मदन सिंह की मौत हो गई। और बेचारा भला आदमी था, ईश्वर उसकी आत्मा को शांत करते हैं। बकवास बंद करो। चंदा तूने इसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है। लेकिन जाओ यहाँ से। सरकार मैं तो आरती के साथ जाऊंगा और राम राम सत बोलूंगा। ये मजाक का वक्त नहीं, नहीं। अब बाहर जाओ। समझ गया, चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। सरकार कहीं से भारी चोट खा कर आए हैं? चोट? चंदा ऐसी चोट खाई है कि अभी तक तड़प रहा हूं। हाय, क्या क्या सपने देखे थे। मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं और मेरे सर पर राज मुकुट है। आखिर हुआ क्या? हम लुट गए और तुम्हें खबर ना हुई। कुछ बताई तो सही। चंदा महाराज ने नागमणि की रक्षा वीर सिंह को सौंप दी है। मदन किसी का दास बनकर जिंदा रहना नहीं चाहता। आप इतने निराश हो गए? जब तक चंदा के दम में दम है आपकी आशा का दीप नहीं बुझ सकता। तो क्या तुम वीर सिंह के गले से वो चाबी उतार कर ला सकती हो? इंद्रलोक की अप्सरा मेनका ने विश्वामित्र के सीने में छुपे हुए तप को लूट लिया था, तो क्या मैं वीर सिंह के सीने पे लटकने वाली चाबी को नहीं लूट सकती? शाबाश चंदा, शाबाश। अब तुम जाओ, हम तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। मैं आ सकती? आओ नर्तकी आओ। जब से ये खबर सुनी है कि आप कुल रक्षक नागमणि के रखवाले बने हैं, जी झूम झूम उठा। दिल चाहता है जी भर कर नाचूं, खूब नाचूं और नाचती रहूं। हाँ हाँ नाचती रहो, खूब नाचती रहो, मगर यहाँ नहीं रंगशाला में। युवराज जंगल में मोर नाचा भी तो क्या फायदा। तुम जा सकती हो।
तुम अभी तक यही खड़ी हो? भिकारन की जब झोली भर जाएगी तो खुद ही चली जाएगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? कुछ नहीं, सिर्फ आपकी मुस्कान। दासी बलाएं लेकर चली जाएगी। बस अब मुस्कुरा दिए, भिकारन को दक्षिणा मिल गई। अब मैं जाती हूँ। जाओ मगर चाबी तो देती जाओ। सचमुच आप बड़े होशियार हैं, मैं यही परखने आई थी कि आप चाबी की कहां तक रक्षा कर सकते हैं। परख लिया जी। जाओ। चंदा तूने कमाल कर दिया, अब इस निशान से दूसरी चाबी आसानी के साथ बन सकती है। ये काम आज ही रात हो जाए। तुम फिक्र ना करो, कल नागमणि मेरे कब्जे में होगी और मैं तुम्हारे कब्जे में। लड़के के लिए आज बहन अपने भाई से टक्कर लेगी। मुझे अपने फर्ज के लिए यही करना होगा। खैरियत चाहती है तो निकल जाओ यहाँ से। नाग मनी हासिल करने के लिए आज मैं अपना सर हथेली पर रख कर आया। दीदी इस वक्त मेरे पास वो आंखें नहीं जो खून के रिश्ते को पहचान सके, और ये मेरी तलवार की आंखें नहीं रखती। कहीं ऐसा ना हो तो ये अंधी तलवार तुम्हारी गर्दन काट डाले। नीच पापी तू है तुझ पर और तेरी वीरता पर। देखती हूँ आज ये तेरे पापी हाथ कैसे नागमणि को छू सकते हैं। दीदी तुमने इस तलवार को मैयार के अंदर ही देखा होगा, लेकिन आज इतना खून पिए बिना मैयार के अंदर नहीं जाएगी। नीच क्यों एक शेरनी के मुंह लगता है, संभाल बात। तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही है। लड़के सुबान संभाल वरना। आप कहिए माता जी, पिताजी को वचन दे चुका कान देखकर भी मणि की रक्षा करूंगा। कुल का दीपक बुझ जाए।
मुझे वचन दो, मुझे वचन दो। मैं वचन देता हूँ माता जी, यह राज मैं सीने में छुपा कर रखूंगा। तुमने मेरी मौत आसान कर दी, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। माता जी, माता जी, माता जी, महाराज अनर्थ हो गया, महाराज अनर्थ हो गया, मैं लुट गया, मेरी दीदी, मेरी दीदी। मदन, क्या हुआ मदन? क्या बताऊं महाराज, वीर सिंह ने दीदी का खून कर दिया है। महारानी का खून? आपने वीर सिंह के हाथ में नागमणी क्या दे दी, एक पागल के हाथ में तलवार दे दी है। चलिए चलिए, अपनी आंखों से चलकर देख लीजिए, अपनी आंखों से देख। महारानी, पापी, हत्यारे, किस अपराध की सजा दी है तूने हमें? पिताजी, पापी, माँ के सीने में तलवार भोंकते हुए तुझे भगवान से भी डर नहीं लगा? देख, महारानी के होठों पर वो आशीर्वाद अब तक ताजा जो कल इसने तुझे दिया। पिताजी, अत्यारे, तेरे ये बनावटी आंसू तेरे हाथों में लगे हुए इस बेगुनाह खून के धब्बे नहीं धो सकते। बोल, तूने ये क्या किया, क्या किया ये तूने? मैं कुछ नहीं कह सकता पिताजी, मैं कुछ नहीं कह सकता। तू कह भी क्या सकता है, महारानी की लाश तेरे पाप की गवाही दे रही है। चुप रहो, कुछ भी सुनना नहीं चाहते हम, तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहते। सिपाही हो, गिरफ्तार कर लो जी और डाल दो काल कोठरी में, कल इसे दरबार में हाजिर किया जाए। दीदी की मौत का मुझे बहुत अफसोस है, ना वो मेरे आड़े आती ना अपनी जान से हाथ धोती। राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही खून से अपने हाथ धोना कोई नई बात नहीं, लेकिन मुझे डर तो इस बात का है कि कल कहीं भरे दरबार में वीर सिंह ने सच सच कह दिया तो? तो आपका ख्याल है वो अपने वचन से फिरकर उन्हीं का नाम बता देगा? आदमी जब मौत को अपने करीब देखता है तो फिर वो किसी वचन की परवाह नहीं करता। अगर राजकुमार कल दरबार में ना आए तो? हाँ, वो कैसे? शाबाश शाबाश चंदा, तूने आज फिर मेरी मुश्किल आसान कर दी। जाओ जल्दी से जाओ, जाओ। तू तू यहां क्या कर रहा था? मैंने पूरी बात नहीं सुनी, आधी सुनी है आधी, आपके गले की कसम आधी। आधी के बच्चे, याद रख, अगर तूने किसी से कुछ कहा तो फांसी पर लटका दूंगा। नहीं 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 नहीं, अगर मुझसे कुछ निकल भी गया तो कृपा करके मुझे फांसी पर मत लटकाइए, क्योंकि मैंने सुना है कि फांसी पर लटकाने से आदमी खतरे में होता है, यानी मर जाता है। जा, भाग यहां से। मैं जानती हूँ युवराज कि महारानी का खून आपके हाथों नहीं, आप अपनी सफाई में जबान क्यों नहीं खोलते, आप निर्दोष होते हुए क्यों? मैं कुछ नहीं कह सकता चंदा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तुम जा सकती हो। नहीं युवराज, सच्चाई ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, एक दिन असली कातिल का पता जरूर चल जाएगा और आपको उस दिन तक जिंदा रहना ही चाहिए। मैंने आपकी रिहाई के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया, हवालात के बाहर घोड़ा तैयार खड़ा है, आप यहाँ से फौरन भाग जाइए। नहीं चंदा, मैं महाराज के दिल में पापी तो साबित हो ही चुका हूँ, अब टैस से भागकर उनकी नजरों से और गिरना नहीं चाहता। लेकिन आपको मौत की सजा देने के बाद जिस दिन महाराज को ये पता चलेगा कि आप निर्दोष थे तो उन्हें कितना दुख होगा, कितना गम होगा, ये तो सोचिए। तुम ठीक कहती हो चंदा, मैं जाने को तैयार हूँ। सच? चलिए। अच्छा चंदा, धन्यवाद। महाराज
ये तो मुर्दा मालूम होता है। अरे नहीं, अभी सांस बाकी है,
बाहर निकालो, शायद बच्चा बेचारा। अरे यार जल्दी। सुरीले चल जरा मेरे आंगन में चल के बीन बजा। नहीं नहीं पहले मेरी गली चल। अरे नहीं नहीं मेरी गली चल, मैं तुझे थाली भर आटा दूंगी, चल मेरे घर। कपड़े क्यों फाड़ती है? बोल मत बोल मत बोल मत बोल मत, तू क्या बोलने वाली है मुझे सब मालूम है। वो थाली भर आटा दे रही थी, तू दो चार रोटी देगी पर मुझे बीन नहीं बजाने है, समझी? चल हट। अरे 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 मुए सुरीले, आज तो अपनी बीन सुना दे, तेरी बीन सुनने के लिए मन फड़क रहा है। फड़कने दे फड़कने दे, मैं भैंस के आगे बीन नहीं बजाता, समझी? क्यों कहो मुए, ये मुआ तो उसी के दरवाजे पे जाके बीन बजाएगा जो उसके मुंह पे थूकती बिने। रास्ते कुछ ऐसे उल्टे सीधे हैं कि जिधर जाता हूँ सामने तुम्हारा ही घर नजर आता है। क्या करूं? मैं सब समझती हूँ। बहुत समझदार बेशरम। गोरी कोई नई गाली तो नहीं, ये तो बहुत पुरानी हो चुकी है। जूती नहीं जूती नहीं गोरी जूती नहीं। तो फिर भाग यहाँ से। बिन नहीं सुनोगे बिन। ये बीन तो मैं खुद जोड़ लूंगा, लेकिन रोज जो तू मेरा दिल तोड़ती है उसे एक दिन तुझे ही जोड़ना पड़ेगा, देख लेना। जाता है कि नहीं?
आखिर बात क्या है, तुम बोलते क्यों नहीं सुरीले? मैं तो हार गया पूछ पूछ कर। भला आदमी जबान ही नहीं खोलता। जबान क्या खोलूं ठाक, कल रात मुझ पर जो बीती है मैं जानता हूँ। क्या बीती है तुझ पर, तू बोलता क्यों नहीं? बाबा बड़े अचंभे की बात है, ये अंदर ही थे और फूल फिर भी चोरी हो गए, यही तो हैरानी की बात है। कमाल, मैं तो कल से कह रही हूँ ये और परदेसी दोनों पागल हो, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं। चल तुझे परदेसी ने बुलाया। क्यों, मैं क्या जानू, एक पागल की बात दूसरा पागल ही जाने। चल मेरे साथ। चल चलो चाचा। चलो जी हम भी चले। अच्छा बाबा, पर ये तो बताओ परदेसी ने मुझे क्यों बुलाया है? उसने तुम्हें नहीं बुलाया। फिर मैं ले जा रही हूँ तुम्हें उसके पास। क्यों, हमारी बात तो वो सुनता नहीं, शायद तुम्हारी सुन ले। कौन सी बात, कैसी बात? तुम दोनों का पागलपन इकट्ठा शुरू है। लो बोलो। बताओ क्या देखा था नदी पर? नदी पर नहीं, नदी पर नहीं, रात को मंदिर में। क्या देखा था? पूछने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं नहीं बता सकता। क्यों, मेरी मर्जी किसी की दोस्त है क्या? मैं हाथ जोड़ती हूँ, जल्दी बता, रोग का कुछ पता चले तो परदेसी का इलाज भी हो, अगर परदेसी को कुछ हो गया तो। रो मत, रो मत, मुझे भी रोना आता है। बताता हूँ, बताता हूँ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, जल्दी बता। घड़ी घड़ी पाँव पड़कर मुझे पाप में मत डालो, बताता हूँ। सुनो सुनो, परदेसी ने भी उन्हीं को देखा था जिनको मैंने मंदिर में देखा है। मगर क्या चीज थी वो? जो चीज मंदिर में थी वो नदी पर है, और जो नदी पर थी वो मंदिर में है। अब इससे ज्यादा मुझसे मत पूछ, मुझे माफ कर और तू घर जा घर। सुरीले, सुरीले। सौ साल जियो, भगवान तुम्हारा सुहाग बनाए रखे। सुरीले जी, एक बात पूछू? एक नहीं दो बात पूछू, अब तुझमें मुझमें क्या भेदभाव है? कल रात तुमने मंदिर में क्या देखा था? क्या फायदा, तुम्हें यकीन नहीं होगा। खैर सुनो, जैसे ही मैंने मीठे सुरों में बीन बजाई, मस्त होकर एक नाग निकल आई। अच्छा। मैंने उसे पकड़ा और वो एक खूबसूरत लड़की हो गई। सच? और नहीं तो क्या झूठ, आगे सुनो। फिर दीवार में से एक सुंदरी निकली और पूजा के फूल चुराने लगी। मैंने उन दोनों की चुटिया पकड़ी। अरे ये क्या करते हो? माफ करो, माफ करो, आगे सुनो। वो दोनों मेरे कदमों में गिर गई, रोने लगी, गिर गिराने लगी। मैं अंधा हो गया। फिर क्या हुआ? डराता है, मैं अंधा हो गया, मुझे सुंदरी का श्राप लग गया। नाग पद्मिनी, वो अंधा हो गया। कौन? वो सुपेरा। मैं समझी कि वो गवाला। तुम्हें तो कल रात से उस गवाले के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं। नंदनी, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है, पर जो मैं देख रही हूँ वो कहती रहूंगी। क्या देख रही है तुम? उस गवाले के लिए तुम्हारे दिल में प्यार और आंखों में इंतजार।
मैं क्यों उसका इंतजार करने लगी? मैंने तो खुद ही उसे आज्ञा दी है कि वो मेरी तलाश में ना आए। यही आज्ञा तो देकर तुम पछता रही हो कि अब वो आए कि ना आए। तेरा सर, अच्छा खो मेरे सर की कसम कि जो मैं कह रही हूँ वो झूठ है। नन्नी, मुझे परेशान ना करो। अपनी सहेली से दिल का हाल ना कहोगी तो और किससे कहोगी? बताओ ना क्या बात है। कुछ नहीं। अच्छा ना बताओ, मगर तुम सुनना चाहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें अपने दिल का हाल। कहो। मैंने जब से उस गवाले का जहर चूसा है उसके लिए दीवानी हो जाती हूँ। नहीं नन्नी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, तुम भी उसे चाहती हो? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो गवाला नहीं कोई सपेरा हो जिसके मीठी मीठी बीन किसी आवाज ने मुझे मस्त बना दिया। नागन के शाप से अंधा हो गया। आखिर उस बिचारे का क्या कसूर था? उसने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, यही उसकी सजा। क्या आज्ञा थी आपकी? वही
जो नंदिनी ने आपको दी थी कि हमारी तलाश न की जाए और न ही हमारा जिक्र किसी से किया जाए। मैं भी तो आपकी आज्ञा तोड़कर आपकी तलाश में फिर चला आया हूँ। आप अपने लिए नहीं आए, किसी और के लिए आए, और अगर मैं चाहूँ तो आपको सजा दे सकती। मैं हर सजा के लिए हाजिर हूँ, किसी की भलाई के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, मैं किसी के काम आ सकूं, यही मेरा धर्म है। तो क्या आप उस सपेरे की आंखों के बदले अपनी आंखों की ज्योति मुझे दे सकते हैं? मैं हाजिर हूँ। आपकी तस्वीर अब दिल पर बना ली, आप मेरी आंखों की ज्योति ले सकते हैं। ये तो वीर पुरुषों के लक्षण, आप गवाले नहीं हो सकते। सच बताइए, आप कौन? ये मैं नहीं बता सकता। अच्छी बात है। नाराज हो गई? नहीं। जरा मेरी वेणी उठा दीजिए। जो आज्ञा। लीजिए। इसे छूने से आपको कुछ नहीं हुआ? नहीं। आप लाज छुपाने की कोशिश करें, लेकिन मैं जान गई आप किसी ऊंचे कुल के राजकुमार हैं और आपकी रगों में किसी चक्रवर्ती राजा का खून है, वरना इस वेणी को छूते ही आपका बदन आग की तरह चलने लगता। बोलिए, आप कौन हैं और इस भेस में क्यों रहते हैं? ये एक लंबी कहानी है, इसे जबान पर न लाने का वचन मैं अपनी स्वर्गवासिनी माँ को दे चुका हूँ। अच्छा, तो मैं आपको मछुआ नहीं करता। आपकी बेनी? इसे आप अपने पास रखिए, इसके छूने से उस सपेरे की आंखें ठीक हो जाएंगी, फिर मुझे दे दीजिए। लेकिन कहाँ, कब? आज रात मंदिर में, जब मैं फूल लेने आऊंगी। क्यों काँप रहे? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? हमने पाप किया, महापाप। कैसा पाप? नागमणि की रक्षा करने वाले सांप को मार दिया। बहुत बड़ा अपराध किया है। अपराध किया है आपने? तो फिर इस अपराध की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। मदन, तुम यहां क्यों चले? मदन यहां क्यों चलाया? एक बुढ़े मूर्ख का तमाशा देखने के लिए। बकवास बंद करो, इधर लाओ नागमणि। महाराज, अब ये नागमणि आपके हाथ से गए और साथ चंदा भी। तो ये है तुम्हारा कमीनापन। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस नीच को। देख क्या रहे हो? मैं कहता हूं गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस बुड्ढे को। महाराज, आप जैसे बुड्ढे आदमी राज सिंहासन पर शोभा नहीं देते। मदन, आज मालूम हुआ तू ऐसा सांप है जो अपने पालने वाले को ही डस लेता, और चंदा तू एक खूबसूरत नागिन। महाराज, जवानी को भी कभी बुढ़ापे से प्रेम हुआ है? आपकी बूढ़ी आंखें हमेशा आपको धोखा देती रही। सच, रूप के लोग ही जब अपने बुढ़ापे को जवानी के चरणों में अर्पण कर देते तो एक दिन समाना उनकी हालत पर हंसता। बुढ़ापा जवानी के लिए खिलौना जो एक दिन जवानी के हाथ टूट कर ही रहता। महाराज, आप बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन मत भूलिए कि इस वक्त नागमणि मेरे कब्जे में है। सिपाहियों, ले जाओ उस बुड्ढे को यहां से, ले जाओ। बेटा वीर सिंह, आज मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करने आई। जाओ और महाराज से साफ साफ कह दो कि मेरा खून तुमने नहीं, उस पापी मदन सिंह ने किया है। अपनी जान देकर मैंने तुम्हें तो उस पापी के वार से बचा लिया, अब अपनी जान पर खेल कर
मेरे सुहाग को बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। माता जी, मैं यही करूंगा, मैं यही करूंगा। अभी तक सुहागन नहीं आई, कहीं उस पर भेद तो नहीं खुल गया? अब भूखा मार डालो इस अंधे को, इस नगरी में किसी के दिल में दया धर्म नहीं संधे के लिए। हे भगवान, मुझे उठा ले, इस सूरदास को अपने पास बुला ले। कृष्ण कन्हैया, क्या हुआ? क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? देर हो गई, आज मेरी गैया ने छोटा सा बछड़ा दिया। बछड़ा? बधाई हो, बधाई हो। कहाँ हो गैया माता की सेवा किया करो, पर इस सूरदास के पेट पूजा की सामग्री भी जल्दी लाया करो। लो, ये भर के खाओ। चावल बनाए हैं क्या? क्या खुशबू आ रही है। चावल नहीं, गेहूं की रोटी। और खुशबू वो तो मेरी वेणी से आ रही है। ओ, तो चावल के फूलों की वेणी बांध कर आई हो? चावल के भी कहीं फूल होते हैं? मैं ठहरा अंधा और सांप पकड़ने का मेरा धंधा, अब मैं क्या जानू आजकल किस किस को फूल लगते हैं। अच्छा, अब खाना खा। मुंह में डालो, मुंह में। तुम्हें खिला दो ना। हाँ, शक्कर भी डाली है क्या इसमें? हाँ। अरे भाई, परदेसी है तो सराय में जा। अरे क्या सराय में जाए, क्या हुआ तुझे? तू फिर अंधा हो गया क्या? ये बेचारा ठीक ही कब हुआ? अरे क्या कहती हो, ये झूठ बोलता है, इसकी आंखें तो कब की अच्छी हो चुकी। क्यों रे सुरीले? परदेसी, क्यों मजाक करते हो यार? वो वक्त देखा करो, मौका देखा करो। ये मजाक का वक्त नहीं है सुरीले, मैं इससे बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। कहीं से दो घोड़ों का इंतजाम कर। अरे अंधा होते हुए भी कहो तो सांपों के ढेर लगा दू, मगर दो घोड़े कहाँ से लाऊं? अरे तू चल, कहाँ से लाऊं? उठ, कहाँ से लाऊं? सुरीले, पहले मुझे ये बता के जा, क्या तुम सचमुच अंधे हो या मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं सचमुच अंधा हूँ, मगर तेरे प्यार में। हट मुझे। पहले ये बता मुझे घसीट के कहाँ ले जा रहे? राजधानी। राजधानी क्यों? क्योंकि मैं राजकुमार हूँ। जरा फिर से कहना, फिर से कहना। सचमुच मैं राजकुमार हूँ। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगवा तेली? अरे ये मुझसे कहा है, ठीक है, किसी और से मत कहना, मार पड़ेगी। अरे मैं सच कहता हूँ सुरीले, अब तक मैंने अपने आप को छुपा रखा, लेकिन अब क्यों, क्या हुआ? तू चल मेरे साथ, मैं रास्ते में सारी राम कहानी सुनाता हूँ, तू मरवाएगा। मगर महाराज ने यकायक ऐसा कदम क्यों उठाया? उनके दिल में ये विराग क्यों पैदा हुआ? मेरी दीदी की मौत के बाद महाराज अक्सर पागलों जैसी बातें किया करते थे। ये देखिए, ये आज्ञा पत्र देखिए, जो महाराज महल छोड़ते वक्त मेरे नाम लिख गए। मैं ये पाप की नगरी छोड़कर जा रहा हूं, इन महलों से मेरा दिल उचाट हो गया है, मेरी तलाश बेकार है। वीर सिंह का हमारी गद्दी पर कोई अधिकार नहीं, वो राजद्रोही है। हम चाहते हैं हमारे बाद मदन सिंह हमारे राज सिंहासन। नहीं 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 नहीं, मैं अकेला ये बोझ कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? महाराज ने तो बनवास ले लिया और मुझे मुझे मेरा तो दिल बैठा जाता है। मदन सिंह जी, अगर आप ऐसे वक्त पर हिम्मत हार बैठे तो हमारा क्या होगा, प्रजा का क्या होगा? महाराज, हम अकीमों को बहुत जल्दी से इसमें से किसी को बाप बना लेना चाहिए, और राजा रैयत का बाप होता है, तो आप ही क्यों हमारे बाप नहीं बन जाते?
महाराज की आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। आप जल्द राज सिंहासन पर बैठने का ऐलान कर दीजिए। जैसे आप सबकी राय हो, तो फिर राज तिलक की तैयारी कर दी जाए। हाँ, कर दी जाए, कर दी जाए। मेरे जीते जी ये पापी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। कौन? युवराज? ये कहाँ से आ गया मेरे बाप? पकड़ लो छूनी को। पकड़ लो, अब बात ना पाए। छूनी कौन है? नहीं पता नहीं आया। मेरी माँ का कातिल तू है, अपनी बहन का कातिल तू है। कसाई जाऊंगा। फिलहाल तो केसरी सारंगी बजाने वाला और तबले ठोकने वाला हूँ। असली इंसान वही है जो अपनी औकात को न भूले। क्यों? तुम ठीक कहते। चलो, आपको मेरी एक बात तो पसंद आई, धन भाग मेरे। क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ के राजकुमार इस वक्त कहाँ है? वो तो इस वक्त काल कोटली में घास फूस के बिस्तर पर पड़े होंगे। कल स्वर्गपुरी या नरपुरी चले जाएंगे। तो क्या वो कैदखाने में? जी, कल उनको फांसी दी जाएगी। क्यों? इसलिए उनकी जगह मैं राजकुमार बनूंगा। आप बैठिए ना, काम का खड़ी खड़ी थक जाएगी। बैठिए, मैं कुछ बांटने के लिए बता दूं। अब बांटिए दे दीजिए। चंडक जी महाराज, समय बीता जा रहा है, अभी तक पद्मिनी ने अपने वचन का पालन क्यों नहीं किया? क्या बताऊं महाराज, मैं खुद हैरान। तूने अपनी नैया के पतवार जिसके हवाले कर दिए हैं, वो खुद रास्ता भूल गई है। तुझे क्या पार उतारेगी? गुरुदेव, जिस युवराज का खून बहाने का वचन तुम्हें नाग पद्मिनी ने दिया था, उसी से उसने गंधर्व विवाह कर लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? और यही नहीं, वो उसे धरती से पाताल लोक में साथ ले आई है। असंभव, नामुमकिन, ये झूठ है। अगर तेरे कानों को इससे ज्यादा सुनने की शक्ति है तो और सुन, तेरी बेटी की गोद हरी होने वाली है। ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। देख लिया मनुष्य को नागमणि देने का तमाशा, खुद अपाहज हुआ, पुत्र चल बसा, और जिस दिल के टुकड़े को तू अपनी तलवार समझता था, वही तेरे दिल के पार उतर गई। चंडक महाराज, उस निर्दोष लड़की को मेरे सामने ले आओ। जाओ, उसे भी मेरे सामने ले आओ। जो आज्ञा महाराज। तुम जा सकते हो पिताजी। निर्लज, हम ये पूछना चाहते, क्या इसी तरह बहन अपने भाई की मौत का बदला लिया करती? क्या इसी तरह? लेकिन पिताजी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। समय आने तो गुरुदेव ने जो कुछ कहा वो झूठ है। क्या पापी विक्रम सिंह का बेटा तेरा पति नहीं? नहीं ना कहीं पिताजी, वो मेरे पति है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जब जब भी जन्म लूं उन्हीं को पति पाऊं। आशीर्वाद? और अपने दुश्मन के लिए, जिसके खून के छींटे हम वही देखना चाहते हैं जहाँ तेरे भाई ने प्राण दिए। पिताजी, भाई के खून को तूने अपनी मां का सिंदूर बना लिया, हम उसे मिठा कर रहे हैं। नहीं पिताजी, भगवान के लिए मेरे स्वाह का भला न मांगिए। ये मत भूलो लड़की, पहले तुम
रूप समय बदले बनकर अपने पति की रक्षा करती है, रणभूमि में तलवार बन जाती है, सुख में रानी और दुख में दासी बनकर अपने पति की सेवा करती है, शांति के समय ढाल बनकर पति के पीठ पीछे और कठिन समय पति के आगे चलकर रास्ता बताती है। हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हम खून चाहते हैं, खून, तुम्हारे पति का खून, और वो भी तुम्हारे हाथों। मेरे पिताजी, जो हाथ पति के चरण छूने को मिले उन्हीं हाथों से मैं अपने प्राणनाथ के गर्दन पे छुरी कैसे चला सकती हूँ? कोई पुजारी अपने भगवान का खून नहीं बहाता, मैं अपनी हर सांस में अपने पति देव का नाम जपते जपते अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन अपने पति और धर्म को कभी न छोड़ूंगी। अच्छी बात है चंदन। आ गया नागराज। उस युवराज को यहाँ ले आओ। हमारी बेटी अपना वचन भूल गई, लेकिन हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके ही रहेंगे, हम उसके खून से नहाएंगे। चंदन पलट के जरा देख तेरा ध्यान किधर, तेरा ध्यान किधर है, पलट के जरा देख तेरा ध्यान किधर है, जो तीर चहे तन के वो दिल तो इधर है, पलट के जरा देख तेरा ध्यान किधर, तेरा ध्यान किधर है। पलट के जरा देख तेरा ध्यान किधर, तेरा ध्यान किधर है। तूने डाला ऐसा फंदा, अरे रे 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 रे, तेरे प्यार में हुआ अंधा, छी 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 छी, रहा घर का ना घाट का, ना थाली लोटा खाट का, ना पूजा ना पाठ का, पलट पलट के जरा देख तेरा चांद इधर, तेरा चांद इधर है, पलट के जरा देख तेरा चांद किधर है। मस्त पड़ी रे
हंस पड़ी, सुहागन मेरी हंस पड़ी। जैसे एतवार के संग सोमवार, सदा फूले फले ये तेरा मेरा प्यार, मेरा तेरा प्यार, तेरा मेरा प्यार, मेरा तेरा प्यार, तेरा मेरा प्यार, मेरा तेरा प्यार। मेरा परदेसी कहाँ है? वो क्यों नहीं वापस आया? हाँ, वो अब नहीं आएगा। वो कोई मामूली आदमी थोड़ी है, वो राजकुमार है। राजकुमार, राजकुमार वीर सिंह। राजकुमार बेचारे के नसीब फूटे जो राजमहल के बजाय कैद खाने में पड़ा है। कैद खाने में? अरे अरे अरे, मैं तो भूल गया, वो बिचार को फांसी पे चढ़ गया होगा। उसके साथ मुझे भी फांसी की सजा मिली थी, लेकिन भगवान को मेरी सुहागन का सुहाग रखना था, इसलिए मैं वापस भाग कर आ गया। मैं रास्ता नहीं जाऊंगी, मैं परदेसी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। और मैं सुहागन के बगैर? सुरीले, मेरे साथ चला। नहीं नहीं सुरील, मैं तुम्हें फिर मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। जाता कौन है? हाँ, इस गांव के मुखिया जो तुम्ही हो। हाँ भाई, क्या काम है? हाँ बताओ, वीर सिंह कहाँ है? कौन वीर सिंह? वही परदेसी जो ग्वाला बनकर कुछ दिन हमारे घर में रहा। हाँ, वही वही, जल्दी बताओ वरना हम लोग सारे गाँव का सत्यानाश कर देंगे। वो बेचारा तो फांसी पर लटका दिया गया। लटका दिया गया नहीं, लटका दिया जाता, मगर वो हवालात से भाग गया। भाग गया? मेरा परदेसी जिंदा है, मैं उसे ढूंढने चाहती हूँ, मैं उसे जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। गुजरे तू कहाँ चला? बता वीर सिंह कहाँ है? वो यहाँ होता तो मेरी बहन उसे ढूंढने क्यों जाती? हाँ, तुम्हारा कहना भी ठीक है, वीर सिंह यहाँ नहीं है। चलो है, सोता है। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने यहां से जाने का निश्चय कर लिया है? हाँ पिताजी। तुम्हें और इस बच्चे को पाकर मैं अपने बेटे की जुदाई का गम भूल रहा था। तेरी आंखों से दूर न जा बेटे, अब तक तुम ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। लेकिन जब तक मैं उस नीच मदन सिंह से अपने पिता की राजगद्दी वापस न ले लूं, मैं यहां भी चैन से नहीं बैठ सकता। लेकिन बेटे, जब तक कुल रक्षक मणि बदन सिंह के कब्जे में है, उससे मुकाबला आसान नहीं। पिताजी, क्या आप भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकते? कर क्यों नहीं सकता बेटे, मैं इनके साथ लाखों नाग पुरुषों की फौज भेज सकता हूँ, लेकिन इनका वैर सिर्फ मदन सिंह से है। युद्ध में लाखों निर्दोष जनता का खून बहाने से फायदा? लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ने में कोई बुराई नहीं पिताजी। अगर सच के लिए झूठ से जंग न की जाए तो सच की जीत कैसे हो सकती है? शांति से, अमन से। नहीं, ये मैं नहीं मानता, मुझे जुल्म के खिलाफ तलवार उठानी ही पड़ेगी। जवानी का खून जोश मार रहा, लेकिन बेटा तलवार उठाने से पहले दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगा लेना चाहिए। नागमणि उसके हाथ में, तो क्यों ना पहले किसी युक्ति से नागमणि हासिल करने की कोशिश करे। ये भी राजनीति और हमें ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन ये कैसे? ये मुझ पर छोड़िए पिता, और पति का आशीर्वाद मेरे साथ है तो ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। दिल रखना
कोई तीर मार के रखना काबू, दिल रखना काबू, देह सुहाने मस्ताने प्यार के छाया जादू, हो जादू, आई हूँ रंगे लेके मैं बाहर के रखना काबू, दिल रखना काबू, देह सुहाने मस्ताने प्यार के छाया जादू, हो जादू। बताएगा कि महाराज कहाँ है? महाराज कहाँ है? महाराज ने बनवास नहीं लिया, बंदी करना है। बदल गए होंगे, लेकिन मेरी गलती है, तुम तो महाराज बनने के बाद भी वही वीरसिंह हो। अरे मैं तो भूल ही गया, अपनी भाभी से मिला। ओ नमस्ते करना, शर्माती क्या है, बड़े भैया है। नमस्ते नमस्ते भाभी। हाँ अब मुझे मेरी भाभी से मिला। हाँ हाँ तुम अपनी भाभी से भी मिलो और अपने भतीजे से भी। भतीजा? हाँ मेरा भतीजा। मैं अभी लाया। अरे तुम, अरे वाह, तुमने तो पहली बार जिंदगी में अकल की बात की है। हाँ गुरी, बुरी संगत से मेरी भी अकल मारी गई थी। बुरी संगत के बुरे फल और अच्छी संगत के अच्छे। अच्छा सुधर गए। तुम्हारी भाभी तो नहीं आती? क्यों? कहती हैं कि जब तक सुरीला बीन नहीं बजाएगा हम नहीं आएंगे। तेरे की तुम उससे पहले क्यों नहीं कह दिया? अरे भाई ये तो मेरा धंधा है। ए, ए, ये लो धंधा। नहीं नहीं नहीं, नहीं इसमें माल बहुत अच्छा। माफ करना।